बचपन में ही अपने माता पिता को खोने वाली एक 11 वर्षीय पोती पर अत्याचार करने की बात सिद्ध होने पर आरोपी दादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम मोहियुद्दीन एमए ने अदालत में इस मामले में फैसला सुनाया है। घटना के समय पीड़िता की उम्र 11 साल की थी। 22 अक्टूबर 2019 को फिरियादी यानी पीड़िता की दादी पीड़िता के साथ घाटंजी पुलिस स्टेशन आए और शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता और उसकी छोटी बहन अपने पिता के जीवित होने के दौरान मारीगांव तालुका की चिंचला में एक महीने के लिए अपने दादा के साथ रहने चली गई थी। वहां उन्होंने एक अज्ञात पोती को बार बार प्रताड़ित किया। इसी बीच पीड़िता के पिता की अचानक मौत हो गई। आरोपी दादा तब पीड़िता के साथ बेलोरा में रहने आया था। उस स्थान पर भी आरोपी ने अपने पोते के साथ इस दरिंदगी को जारी रखा। इस बीच पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि वह आरोपी दादा से डरती थी। पीड़िता 15 अगस्त को झंडा लहराने के लिए स्कूल गई थी, तब वो चक्कर खाकर गिर गई। उसके बाद सरपंच और पीड़िता की दादी ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद पूरी घटना सामने आई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और आरोपी के खिलाफ घाटंजी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री मोहिनुद्दीन साहेब यांच्या कोर्टात आज एक महत्त्वाचा चुकादा साहेबांनी दिला आणि समाजात एक चांगला उदाहरण पसरवलं। आरोपी हे पीडित मुली जी 11 वर्षाची मुलगी होती आणि ते आरोपी पीडिताची आजोबा होते आणि ते जेव्हा दुसरीकडे राहत होते आणि पीडिताची आई वारली होती आणि पीडिताचे वडील जिवंत होते। त्यावेळी पीडिता आणि त्याची तिची लहान बहीण ते आजोबाकडे म्हणजे आरोपीकडे राहायला वॅकेशनमध्ये उन्हाळ्याच्या वॅकेशनमध्ये राहायला गेली। तेव्हा आरोपीने पीडितासोबत वारंवार जबरीने संभोग केला। त्यानंतर पीडिता आणि तिला सांगण्यात आलं की तू कुणाला काही सांगू नको, त्यामुळे पीडिताने कुणाला काही सांगितलं नाही। त्यानंतर पीडिता आपली वडिलासोबत आपल्या घरी आली आणि त्यानंतर तिचे वडीलसुद्धा वारले, म्हणून आजोबा आरोपी जे आहे ते पीडितासोबत राहायला त्यांच्या पीडिताच्या घरी आले बेलोरा गावी आणि तिथे राहून ते रोजच पीडितासोबत वारंवार संभोग करत होते आणि त्यामुळे पीडिता ही गर्भवती झाली। परंतु ती 11 वर्षाची मुलगी असल्यामुळे तिला काही समजे नाही आणि ते एकदा शाळेत चक्कर येऊन पडली आणि त्यानंतर गावातील सरपंच तिने पीडिताची टेस्ट केली, ती प्रेग्नन्सी टेस्ट पट्टीद्वारे केली। त्यावेळी त्यांनी तिला कळलं की ती प्रेग्नंट आहे आणि ती त्यानंतर पीडिताची आईची आई आजी जे तक्रारदार आहे या प्रकरणात तिला सांगण्यात आलं। त्यानंतर सरपंच व पीडिताची आजी पीडिताच्या घरी गेले। त्यावेळी आरोपी शेतात गेले असल्यामुळे पीडिताला प्रेमाने सांगितलं सरपंच आणि आजीने आणि त्यामुळे ती घाबरून तिने सांगितलं की माझ्यासोबत माझे आजोबाने असे वारंवार शारीरिक संभोग केलं आणि त्याच्यानंतर तिच्या पीडिताला घेऊन तिची आजी पोलीस स्टेशन घाटंजी येथे रिपोर्ट दिला। इस मामले में कुल 7 गवाहों की जांच की गई है। पीड़िता, उसकी दादी, साथ ही चिकित्सा अधिकारियों और अन्य गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत करवाए गए। पीड़िता की मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर और पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सरकारी पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील नीति दवे इन्होंने कोर्ट में इस मामले को चलाया। वहीं PSI आर की पुरी और किशोर भुजाड़े ने इस मामले की जांच की। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।